नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरी धनिया को किस तरीके से स्टोर करें ताकि आपकी हरी धनिया एक महीने तक चलेगी। इसके लिए मैं आपको चार मेथड बताने वाली हूँ, आपको जो पसंद आए आप वो ट्राई करें। क्योंकि ठंड के दिनों में अक्सर ये होता है कि हरी धनिया बहुत ही सस्ती रहती है, तो हम घर पर ज्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं या मार्केट से हमारा घर बहुत दूर है, तो हम इस कंडीशन में भी हरी धनिया ज्यादा मात्रा में ले आते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अब इसे किस तरीके से स्टोर करें कि यह हरी भरी बनी रहे। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हरी धनिया को कैसे स्टोर करके रखें। मार्केट में धनिया इस तरीके से बंधी मिलती है और सब्जी वाले धनिया में पानी भी डालते रहते हैं, इस कारण गीली भी रहती है। तो इसे खोलकर थोड़ी देर के लिए आप हवा में फैलाकर रख दें ताकि धनिया गीली न रहे, क्योंकि गीली धनिया जल्दी खराब होती है। ध्यान रखें आप इसे धुलकर न रखें। धनिया का बंच खोलने के बाद इसमें पीले काले या खराब खराब पत्ते या कहीं कहीं घास भी होती है, इन सभी को आप बारीकी से निकाल लें। कोशिश करें कि एक भी पीला काला या खराब पत्ता ना रहे, क्योंकि यदि ये छूट गए तो आपकी धनिया पत्ती में सड़न पैदा हो जाएगी और आपकी धनिया पत्ती एक महीने तक स्टोर नहीं रह पाएगी। जब ये साफ हो जाएं, तब इनकी जड़ों को इकट्ठा कर लें। जड़ वाले पोर्शन को काट कर अलग कर दें, क्योंकि इस जड़ में मिट्टी लगी रहती है जिसके कारण से धनिया पत्ती जल्दी खराब हो सकती है। इस तरीके से इसको काट कर अलग कर दें। इन्हें इकट्ठा करके इस तरीके से हल्के हाथों से झराएं ताकि इसमें काले पीले खराब पत्ते हैं ये सभी अलग हो जाएं। अब इन्हें आप तोड़कर रख लें, जैसा तोड़ना चाहते हैं छोटा बड़ा इस तरीके से तोड़ लें। ये सारी धनिया पत्ती को तोड़कर रख लिया है। देखिए इसमें एक भी पीला काला खराब पत्ता नहीं है। इस तरीके से आप रखें, इसमें एक भी पीला पत्ता होगा तो खराब कर देगा धनिया को। धनिया पत्ती स्टोर करने का पहला तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर, कांच या प्लास्टिक का जार लें, उसके अंदर आप इस तरीके से टिश्यू पेपर रख दें। यदि टिश्यू पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, कई लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर बहुत ही खतरनाक होता है। न्यूज़पेपर की इंक यदि हमारे फूड आइटम में लग जाती है तो उससे कैंसर तक होने का खतरा रहता है, इसलिए आप न्यूज़पेपर का बिल्कुल भी यूज ना करें। कंटेनर में हल्के हाथों से धनिया पत्ती को भरें, इसे दबा दबा कर नहीं भरना है, हल्का गैप रहने दें, क्योंकि यदि आप इसको दबा दबा कर भरेंगे तो हमारी धनिया पत्ती खराब हो जाएगी और डैमेज भी हो जाएगी। इसे हल्का लूज रखें और ऊपर गैप रहने दें डिब्बे में। जार में ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा गैप रहने दें, पूरी ऊपर तक धनिया पत्ती नहीं भरना है। अब ऊपर से टिश्यू पेपर लगा दें। टिश्यू पेपर लगाने से धनिया पत्ती में जो भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। अब इसे स्टोर करके रख दें। आप धनिया पत्ती किसी भी तरीके का एयरटाइट डिब्बा हो उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, देखिए इस तरीके का, और आप इसे 6 से 7 दिन बाद चेक करके देखें। यदि इसका टिश्यू पेपर गीला हो गया हो तो आप दूसरा टिश्यू पेपर बदल दें और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखें, आराम से एक महीने तक चलेगा। अब मैं दूसरी मेथड बताती हूँ। दूसरा तरीका, यदि आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप धनिया पत्ती लें। आप धनिया पत्ती की जड़ सहित भी ले सकते हैं, लेकिन जड़ को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि जड़ में मिट्टी रहती है, इसके कारण से धनिया पत्ती जल्दी खराब होती है। देखिए नीचे वाला पोर्शन तने को काटा नहीं है। अब इसको इकट्ठा करके लोटे में पानी लिया है, आधा लोटा, इसमें आप डाल दें। नीचे वाला पोर्शन पानी में रहेगा, इससे आपकी धनिया हरी भरी बनी रहेगी। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर पॉट जैसे दिख रहा है। अब एक पॉलिथिन लें और इसे हल्का सा बांधें, हल्के हाथ से, इसे ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। देखिए इस तरीके से बांध दें और इसे हल्का लूज रखना है। ये देखिए बिल्कुल लूज है, ज्यादा टाइट भी नहीं है ऊपर से देखने में। और पॉलिथिन में 4 से 5 छेद कर दें, छोटे छोटे छेद कर दें। ऐसा करने से इसमें एयर पास होती रहती है और इस धनिया को आप कहीं भी घर पर जो भी ठंडा प्लेस है वहां पर रख सकते हैं, जैसे पंखे के नीचे कहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी धनिया अच्छी हरी भरी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अब मैं तीसरी मेथड बता रही हूँ। इसके लिए एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इस कपड़े को अच्छे से गीला कर लिया है और इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी ना रहने दें, अच्छे से निचोड़ लें। बस इसमें इस कपड़े में हल्की सी नमी बनी रहे, इस तरीके का रखें आप। इस कपड़े में बीचों बीच धनिया रख लें साफ करके और इस धनिया को चारों तरफ से कवर कर लें। ध्यान रखें धनिया को बाहर ना रहने दें किसी भी तरफ से, इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लें।
यदि ये कपड़ा सूख जाए तो इसमें 3 से 4 घंटे में हल्का हल्का इस तरीके से पानी डाल दें। ऐसा करने से हरी धनिया ताजी बनी रहेगी। जैसे पेड़ पौधों में सुबह शाम पानी देते हैं, वैसे इसको पानी देना जरूरी होगा, तभी ये ताजी बनी रहेगी बिना फ्रिज के। फ्रेंड्स, लास्ट मेथड यह है कि यदि आपको फ्रिज में स्टोर करना है हरी धनिया और आपके पास कंटेनर नहीं है, तो इस तरीके से किसी भी गीले कपड़े में हरी धनिया को लपेटें और इसे पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रखेंगे तो ये आपकी आराम से 1 महीने चलेगी हरी धनिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।